नमस्कार मैं प्रीति मिश्रा आपका ऑल न्यूज नेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भाजपा सत्ता में आई इसमें गुजरात का बहुत बड़ा योगदान है गुजरात को मीडिया के लोग हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहते थे गुजरात पहला राज्य है जहाँ भाजपा सत्ता में आई और जिस जमाने में भाजपा के केवल दो सांसद सदस्य थे उनमें से एक मेहसाना से थे आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि गुजरात में भाजपा सत्ता में कैसे आई मित्रों गुजरात में भाजपा को सत्ता में लाने में कुख्यात माफिया डॉन अब्दुल लतीफ का बहुत बड़ा योगदान है अगर अब्दुल लतीफ नहीं होता तो संभव है भाजपा सत्ता में नहीं आती चलिए इससे पहले हम आपको पूरी खबर बताएं आपसे अनुरोध है कि हम देश में काम करें इसलिए वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमें फोन पे गूगल पे पेटीएम के माध्यम से नीचे दिए गए नंबर पर सहायता राशि देकर हमें और हमारे चैनल को सशक्त बनाए चलिए अब आपको पूरी खबरी को ले चलते अब्दुल लतीफ इतना कुख्यात दान था कि उसने सबसे पहले ए के का उपयोग किया था और 12 पुलिस कर्मियों सहित 150 से अधिक नागरिकों का वध किया था जिसमें राधिका जिमखाना वध बहुत प्रसिद्ध हुआ था जब राधिका जिम खाना क्लब में लतीफ ने अंधाधुंध गोलीबारी करके एक साथ 35 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था लतीफ के ऊपर कांग्रेस और जनता दल दोनों नेताओं का था। लतीफ की इतनी पहुंच थी कि वह मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल के चैंबर में बगैर अपॉइंटमेंट के चला जाता और तस्करी सोने चांदी की स्मगलिंग ड्रग्स की स्मगलिंग इत्यादि में अरबों रुपए कमाए और उसमें नेताओं का हिस्सा जाता था यदि लतीफ या लतीफ के गैंग के किसी गुर्गे को कोई हिंदू लड़की पसंद आ जाती थी तो वो रातों रात उठा ली जाती थी लतीफ जब चाहे तब किसी हिंदू का बगला दुकान खाली करवा करवा लेता था उस समय भाजपा गुजरात में संघर्ष के दौर दौर में थी नरेंद्र मोदी शंकर सिंह वाघेला केशुभाई पटेल साइकिल स्कूटर पर चप्पल पहनकर घूमते थे एक दिन गोमतीपुर में भाजपा की एक सभा थी भाषण देते देते केशुभा पटेल ने जोश में बोल दिया कि अगर भाजपा की सरकार आई तो अब्दुल लतीफ का एनकाउंटर करवा दिया जाएगा बोलने के बाद वह तो डर गए उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई लेकिन गुजरात की जनता के अंदर एक संदेश चला गया कि आखिर यह कौन सी पार्टी है पार्टी के नेता है जो अब्दुल लतीफ के गढ़ में उसका एनकाउंटर करने की बात कर रहे हैं केशुभा पटेल के इस भाषण के बाद जब चुनाव हुए तब गुजरात में भाजपा की पैंतीस सीटें आई जो अपने आप में बहुत बड़ी विजय थी बाद उसके बाद भाजपा ने अब्दुल लतीफ और के गुर्गों विरुद्ध मोर्चा खोल दिया और अगले चुनावों में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई और अपने वायदे के अनुसार शंकर सिंह वाघेला ने अब्दुल लतीफ का एनकाउंटर करवा दिया अब्दुल लतीफ का एनकाउंटर भी बड़े जोरदार तरीके से हुआ था शंकर सिंह वाघेला के सामने डीएसपी जाडेजा आए और बोले कि सर मैं लतीफ का एनकाउंटर करना चाहता हूं क्योंकि इसने मेरे इंस्पेक्टर झाला का मर्डर किया था जब वह अपनी गर्भवती पत्नी को देखने छुट्टी पर जा रहा था अब्दुल लतीफ को गिरफ्तार किया गया और नवरंगपुरा स्थित पुराने उच्च न्यायालय में उसकी पेशी होनी थी पेशी के पहले डीएसपी जडेजा ने कहा कि दावे दिखाओगे लतीफ ने हां बोला तो उसके हथकड़ी हर्त, खोल दी गई और फिर उसे आठ गोलियां मार दी गई और मीडिया में कह दिया गया कि लतीफ ने नाश्ता करने के लिए हथखड़ी खड़ी खुलवाई और भागने का प्रयास किया जिसके फलस्वरूप गया। उसके बाद शंकर सिंह वाघेला ने एक और अच्छा काम किया उन्होंने अशांत धारा एक्ट लागू कर दिया यानी गुजरात के विभिन्न शहरों में बहुत से विस्तार चिन्हित कर दिए गए और इन विस्तारों में किसी हिंदू की संपत्ति कोई मुस्लिम नहीं खरीद सकता और उसके बाद भाजपा गुजरात से होती हुई मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश बंगाल इत्यादि कई अन्य जगह बढ़ती चली गई और आज केंद्र में तीन सौ तीन बैठकों के साथ सत्ता में है जब एक हिंदू जागता है और दूसरे सोए हुए हिंदुओं को जगाता है तब ये गुजरात वाला वातावरण बनता है जब केशव भाई ने लतीफ का एनकाउंटर करने की घोषणा की थी गुजरातियों ने बिना किसी प्रश्न उत्तर के भाजपा को अपना भरपूर समर्थन दिया था अगर पूरे देश में गुजरात वाला परिणाम हिंदुओं को चाहिए तो सभी को वही करना होगा जो तब गुजरातियों ने किया था इसलिए भाजपा और मोदी को बिना प्रश्न किए 2024 के चुनाव में पूरा साथ दें। तभी तो पूरे देश में से लतीफों का सफाया मोदी जी और भाजपा कर पाएंगे गुजराती नागरिक सदैव दूर की सोचते हैं और ये एक पाठ देशवासियों को और विशेषकर हिंदुओं को उनसे सीखना होगा छोटी छोटी बातों में मोदी जी और भाजपा का विरोध ना करें बल्कि उन्हें अपना पूरा समर्थन दे ताकि वे अपना काम पूरी प्रामाणिकता से कर सके राजनीतिक शतरंज की इन चालों को ध्यान से देखें और समझें मुगल भारतीय बन गए और भारतीय काफिर गयासुद्दीन खान मोतीलाल जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी राजीव मोइनो ये सब गांधी बन गए और सभी भारतीय मूर्ख मोमिन कश्मीर बन गए कश्मीरी बन गए और कश्मीरी पंडित शरणार्थी बांग्लादेशी बंगाली बन गए और बंगाली बाहरी हिंदू सैनिकों के हत्यारे और पत्थर बरसाने वाले आंदोलनकारी बन गए और सेना मानवाधिकार उल्लंघ उल्लंघनकारी टुकड़े टुकड़े गैंग देशभक्त बन गया और देशभक्त ब्रांडेड कट्टर आतिवादी चिता की लकड़ी पर्यावरण चिंता बन गई और दफनाने में बर्बाद होने वाली भूमि जन्म अधिकार हो गई राखे में इस्तेमाल किए गया किया गया से भेड़ को चोट पहुंची और बकरीद में हजारों बकरियों का जो कत्ल हुआ उस धार्मिक स्वतंत्रता बन गया। धर्म निरपेक्ष हो गया और जबकि समानता कम्युनल हो गई आरएसएस आतंकवादी बन गया और ओसामा जी जी साहेब और हुरियत शांति के शिखर भारत माता की जय सांप्रदायिक हो गया और भारत के टुकड़े होंगे फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया डॉलर नियम बन गया और सबका साथ सबका विकास जरा सोचो और समझो कि आखिर एक हिंदू बहुल देश में यह सब हुआ कैसे ऐसे ही सोए रहे तो पता भी नहीं चलेगा कि कब आतंकी देश के नागरिक बन गए यह अंतिम चुनाव है जब कांग्रेस के अलावा आप किसी और को वोट दे सकते हो यानी बीजेपी के जीतने की उम्मीद कर सकते हो क्योंकि अगले पांच सालों में इतने मुस्लिम बच्चे जो आज तेरा से सत्रह साल के हैं कांग्रेस का वोट बन जाएगा जो कि हिंदू बच्चों के वोट से ज्यादा हो जाएगा फिर उन, फिर उन हिंदू बच्चों में से पच्चीस से पचास प्रतिशत अपने राज्य से बाहर रह रहे होंगे किसी कॉलेज में या किसी नौकरी में बाकी बच्चे अन्य अन्य दलों में बट बलग अलग दलों में बट जाएंगे लेकिन मुस्लिम बच्चे सभी लोकल में रहेंगे लोकल धंधे में लगने के कारण एकजुट रहेंगे और वोट देने में फिर कोई हिंदू बीजेपी के लिए कितनी ही मन्नत मांग ले जिता नहीं सकता बाकी लोग अब भी नहीं समझेंगे उसे फिर वक्त ही समझाएगा सड़क नहीं बने अपना जीवन चल जाएगा बिजली नहीं आए तो भी चल जाएगा स्कूल भी नहीं हो तो भी चल जाएगा वैसे ऐसा नहीं होगा हर सरकार काम करती ही है इन बेसिक सुविधाओं पर अगर धर्म चला गया तो कन्वर्जन ही हाथ में आएगा और हाँ अगले पांच साल में जितने हिंदू वोटर मरेंगे उतने मुस्लिम वोटर नहीं मरेंगे क्योंकि हिंदुओं की जिस पीढ़ी में सबसे ज्यादा भाई बहन है अब वह साठ सत्तर अस्सी वर्ष की उम्र के हो चुके हैं इसके बाद वाली पीढ़ी तो गिनती के भाई बहन वाली है राम मंदिर बनने में तो पचहत्तर साल लग गए लेकिन टूटने में कितने दिन लगेंगे विलुप्त विलुप्त होता हुआ सनातन समाज गंभीर विषय है देखिएगा जरूर देश की बात करना राजनीति है और अपने समाज के बारे में बात करना हिंदू मुस्लिम करना हुआ तेरी मानसिकता ही तेरे विनाश का कारण बनेगी वह मानसिकता जो कि तुम्हें पूरी तरह से ले डूबेगी देश की बात बिल्कुल मत करो देश की बात करना यानी राजनीति करना हो गया सनातन की बात करना यानी हिंदू मुस्लिम करना हो गया क्योंकि इस देश इस तरह के संदेश में सीधा सीधा आपका अपना कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है आपकी इमेज नहीं बन रही है आपकी पहचान नहीं बन रही आपकी जय जयकार नहीं हो रही आपकी वाह वाह नहीं हो रही है इन्हीं छोटी छोटी स्वार्थ के चलते हम इस दुनिया से मिटते जा रहे हैं हिंदुओं पर हम सुधरेंगे नहीं क्योंकि हमें हमारे खाने कमाने से मतलब जबकि वे लोग बचपन से ही अपने बच्चों को यही तालीम दे रहे हैं कि हिंदू हमारे दुश्मन नंबर एक है और उनको इस देश से खत्म करके अपना मजहब कायम करना यही हमारा पहला और आख्ष...

राष्ट्र भारत है सनातन धर्म है आपसे अनुरोध है कि देश इसमें इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें हमें अपनी राय जरूर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमें फोन पे गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से नीचे दिए गए नंबर पर सहायता राशि भेज हमारे हमें हमारे चैनल सशक्त बनाए वीडियो के साथ बने तो रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद